ये जो रागनी मेरे विद्वान श्रोताओं के सामने हम दोनों भाई पेश करेंगे, सजना ये रागनी महाभारत के विराट पर्व की और मौका समय का, जब दुर्योधन अपनी सेना सजा करके राजा कमलनयन की गमों को घेर लेता है और उधर वहां राजा विराट भूप के यहां पर अर्जुन जो प्रणला के रूप में रहकर के अपनी गुजर बसर कर रहे हैं पांचों पांडव वहां, आज उन गमों को छुड़ाने के लिए अर्जुन उनके पुत्र उत्तर कुमार के साथ में युद्ध भूमि के अंदर पहुंच गया तो युद्ध भूमि में उत्तर कुमार दुर्योधन की सेना को देख करके लड़ खड़ा जाता है, तो उधर से रथ युद्ध भूमि में रथ से उतर कर भागना शुरू करा तो अर्जुन उसे पकड़ लेता है और अपना सारथी बना करके युद्ध भूमि में दुर्योधन की सेना के सामने आ जाते हैं। दादा भीष्म और अर्जुन दोनों के सवाल जवाब हो रहे हैं, आइए एक बात के माध्यम से अर्जुन किस प्रकार से दादा भीष्म को कह रहा है और दादा भीष्म कैसे अर्जुन को समझा रहा है। हाँ तो सबसे पहले दादा की चरणों में उसके बेटे अर्जुन का प्रणाम स्वीकार हो। यह तो मुझे पता था कि भाई युद्ध भूमि में मेरे सामने हाँ जिसके शंख से शंखनाद हुआ है वो कोई गैर नहीं है। अच्छा हाँ, और जो तूने प्रणाम मेरे चरणों में स्वीकार किया है हाँ आपका प्रणाम मुझे स्वीकार है। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी आपका। लेकिन प्रणाम स्वीकारने के साथ साथ मैं एक छोटा सा परामर्श भी तुझे देना चाहता हूँ पार्थ। क्या? इस युद्ध भूमि में मेरे सामने जो रथ लेकर के तुम खड़े हुए हो अच्छा अपने रथ के घोड़ों को मोड़िए और युद्ध भूमि से आप निकल जाए तो इसी में आपकी भलाई है। ये रथ के घोड़े नहीं मुड़ेंगे दादाजी, आज हाँ। मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ और आपसे युद्ध कर करके जाऊंगा। मेरे से युद्ध करने के बारे में तो देवी देवता भी सोचते, फिर तू तो अर्जुन है। आपको पता नहीं है दादाजी मेरा नाम कुंतीसुत अर्जुन है, आपके पंख को बिखेर दूंगा, आपकी छाती में इतने बाण मारूंगा दादाजी गिन नहीं पाओगे। ये तो समय बताएगा बेटा कि कौन किसकी छाती में बाण मारेगा और कौन किसके हाथों से धराशायी होगा। अच्छा मैं तुझे समझा रहा हूँ कि मैंने तुझे अपनी गोदी में खिला करके पार परोस कर स्वयं बड़ा किया है, ऐसा ना हो कि मेरा सारा लाड़ प्यार बिखर जाए। दादाजी हाँ मैं आपके सफेद वस्त्रों की कदर कर रहा हूँ। तो वैसे कदर मत लगा कर रहे, खोल दे छाती आती है। आज मैं दादाजी आपको सीधा ऊपर पहुँचा दूंगा। छाती जाम हुई पड़ी है, खोल। तू क्या ऊपर पहुँचाएगा बेटा, सुन मेरी बात, खुद ही पहुँच जाओगे। करेगा तेरे से उम्मीद
करेगा, तने तेरी शरारत करेगा, तने मेरी शरारत के देखी, तने मेरी शरारत के देखी, मैं तो नीचे नार झुका गया, तेरी नार तड़े ना, अच्छा, नार तड़े ना हुई देख, तेरी तने जान दिखा गया। लोग संकोच किया करते, मेरा नाम भी अर्जुन है। आज तक कोई भी रथी महारथी इस पिता में भीष्म के सामने युद्ध भूमि में एक क्षण के लिए भी टिका नहीं है। अरे दादाजी, आपसे कोई योद्धा नहीं मिला है। अच्छा। आज आपसे पाला पड़ा है। आज योद्धा तो मुझे ऐसे ऐसे मिले, आप पता नहीं कैसे कैसे मिले, पर तेरे जैसा पहली बार मिला है दादा, जिसे जरा सा भी अपनी मौत का संकोच नहीं है। अरे आपको संकोच नहीं है? हाँ, मेरी बात सुन ले। मैंने नहीं बुलवाई, और ये जुआ खेले तुम पांचों भाई। अच्छा। और पांचों भाई मिलकर के जुए में हारे। अरे अगर तुम पांचों भाइयों ने जुआ खेला था तो शर्त में तुम्हें अपनी धर्मपत्नी को नहीं लगाना था। अरे हमने लगा भी दिया, लेकिन दादाजी फिर भी आपकी कमी थी। लगा दिया, अब तो मेरी गलती बनाएगा बेटा, जब लगा दिया हार गए तो फिर झेलो, थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। अब डोलो ढूंढते कहाँ गई द्रौपदी। अरे अभी तो आपने मेरी डोली देखी, अगर मेरे बाण देख लें दादाजी। अभी डोली तूने पीछे दिखाई, आगे की तरफ तो आया ही नहीं तू। अरे आगे बाण चलेंगे मेरे तेरी छाती पे। बाबा भीष्म भी डोली मार के दिखाएंगे तुझे। बाबा भीष्म डोली, फिर मेरी बात सभी ने करेगा, तेरी हसरत सभी ने करेगा। तू जिसने तोड़ पका देगा, तू जिसने तोड़ पका देगा, ये नहीं सूती का धागा। जिस दिन की भाई, जिस दिन की माला से वो मौका आज आड़ के आजाने आजाने लगा, जान बता के
अच्छा कैन रथ के पहियों को मोड़ ले, ये नहीं मुड़ेंगे। अरे घोड़े मोड़ ले, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे स्वयं मुड़ना पड़ जाए। अरे दादाजी आपको मुड़ना पड़ेगा। अरे तेरी जीभ बहुत चले तर 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 तर। मेरी जीभ चलती है और मेरे पानी भी चलते हैं। फूंक मार के उड़ा दूंगा, फूंक मार के। अच्छा हाँ, कौन सी भस्मी दे रहा है? अरे मेरे पास बहुत कुछ है। अच्छा अभी भस्मी देखी कहा है तूने? कुछ कहना चाहते हो? बहुत कुछ कहना चाहता हूँ बेटे, सुनिए। चक्र अडाप ही सब का पान भी कटेगा, ही सब का पान भी कटेगा। एक बार का परण मुझे नहीं, एक बार का परण मुझे मैं करके भी शर्मा गया। गौरी शंकर गौरी शंकर गुरु को बचपन में सतगुर Yeah.